बच्चों बहुत स्वागत है आप लोगों का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हूं। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, और काफी मरतबा आज मैंने टॉपिक लिया है, काफी मरतबा ये जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। बच्चों आज मैंने आपके लिए टॉपिक लिया है, आपके पास प्रश्न आएगा निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी कीजिए, है ना। टिप्पणी करने के लिए आएगा, जैसे टॉपिक आ सकता है डीडीटी पर टिप्पणी कीजिए या डीडीटी के संदर्भ में आपको जानकारी देनी है। बच्चों बीएचसी के संदर्भ में आपको टिप्पणी करनी है या बीएचसी के संदर्भ में आपको जानकारी देनी है, ठीक है। अगला प्रश्न मैंने लिया फ्रियॉन, ठीक है, या फ्रियॉन क्या होता है ना, कैसे इसका निर्माण होता है, इस पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो ये तीनों ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, काफी मरतबा एग्जाम में पूछे गए हुए। तो बच्चों मैं सबसे पहला टॉपिक आपके साथ लेने जा रहा हूं। सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया हुआ डीडीटी। बच्चों डीडीटी का जो पूरा नाम है, सबसे पहले आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, डीडीटी का पूरा नाम है बच्चों डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो एथिलीन। बच्चों वापस सुनिए, डीडीटी का जो पूरा नाम है उसमें सबसे पहले है डाइक्लोरो डाइफेनल ट्राइक्लोरो, ठीक है, ट्राइक्लोरो एथिलीन। बच्चों ये डीडीटी का पूरा नाम है। बच्चों यहां पर डीडीटी के संदर्भ में सबसे पहले आपको उसके पूरे नाम की जानकारी मैंने दी। बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो डीडीटी है, तो डीडीटी का निर्माण कैसे होता है। बच्चों डीडीटी का निर्माण करने के लिए हमको सबसे पहले क्लोरल की आवश्यकता है। हम क्लोरल को क्लोरोबेंजीन नाम के यौगिक के साथ अभिकृत करेंगे, ठीक है, इनकी आपस में क्रिया कराएंगे। इनकी आपसी क्रिया से हम क्या बनाएंगे बच्चों, डीडीटी बनाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या किया मैंने, यहां पर आप देख रहे हो कि मैंने क्लोरल का आपको रासायनिक सूत्र बताया हुआ है, और यहां पर मैंने दो मॉलिक्यूल लिए हुए क्लोरोबेंजीन के, ठीक है। तो बच्चों क्या होगा, बहुत अच्छी तरह से समझेंगे आप लोग और ध्यान देंगे। बच्चों क्लोरल का जो एक ऑक्सीजन परमाणु आप देख सकते हैं यहां पर, ये क्लोरोबेंजीन के दो पैरा हाइड्रोजन के साथ अभिकृत होगा, और उनके साथ अभिक्रिया करके ये सबसे पहले क्या करेगा बच्चों, ये सबसे पहले जल का अणु बनाकर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले जल का अणु निकल जाएगा। बच्चों जल के अणु निकल जाने के बाद शेष क्या होगा, ये वाला जो पार्ट आप देख पा रहे हो ना ClC6H5, तो ये जाकर एक कार्बन पर, और ये दूसरा भाग भी जाकर उसी कार्बन पर संयोजित हो जाएगा क्लोरल के साथ, ठीक है, और अभिक्रिया जो होगी बच्चों वो आपको इस तरह से प्रतीत होगी। इस तरह से ये भी आकर इस पर जुड़ा हुआ और ये पार्ट भी आकर इस पर जुड़ा हुआ है। ये बना हुआ जो रसायन आप देख पा रहे हो, इस रसायन को हमने क्या बोला बच्चों, इसको हमने बोला हुआ है डीडीटी। बच्चों डीडीटी के बारे में जानिए कि डीडीटी के कुछ गुण होते हैं, जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया ये रंगहीन क्रिस्टली ठोस होता है, ठीक है, ये रंगहीन क्रिस्टली ठोस होता है। जैसे अपन देखते ना साबूदाना, अगर आप लोगों ने कभी सुना होगा, जिस तरह से उसके छोटे छोटे बारीक क्रिस्टल्स आपको दिखाई देते हैं, बिल्कुल इसी आकार के ये रंगहीन क्रिस्टली ठोस साबूदाना के जैसा दिखाई देने वाला एक रसायन होता है बच्चों। बच्चों याद रखिए ये जल में आविलय है, यदि आप डीडीटी को जल में घोलने का प्रयास करोगे तो ये जल में कभी घुलता नहीं है, मतलब हमेशा उसके ऊपर तैरता रहेगा, लेकिन ये कभी उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, कभी घुलेगा नहीं। बच्चों ये प्रबल कीटाणुनाशी है, ठीक है, कीटनाशी है, यानी छोटे जो कीट होते हैं ना, तो छोटे कीटों का ये क्या कर देता है, नाश करता, उनको मार देता है। और याद रखिए बेटा जो डीडीटी है ये पेड़ पौधों की उर्वरक क्षमता को, है ना, उनके बढ़ने में उनके ग्रोथिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है, और ये एक अच्छा उर्वरक माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज बच्चों याद रखिए, पक्षियों की कुछ विशेष प्रकार की प्रजाति है जिस पर इसका विषैला प्रभाव होता है। जैसे कि आज से अगर हम 10 साल पहले या 20 साल पहले चले जाएं, तो बच्चों बगुला नाम का एक पक्षी हुआ करता था। ये बगुला नाम की जो प्रजाति है, ये डीडीटी को लगातार खा लेने की वजह से धीरे धीरे ये प्रजाति क्या होती जा रही है, विलुप्त होते जा रही है। लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने, चूंकि डीडीटी के रोग पर, या कुछ देशों ने डीडीटी के रोग पर प्रतिबंध लगा दिया, तो वापस आपको कुछ जो जलाशय वाले एरिया है ना, जहां पे तालाब समुद्र या ऐसी कुछ नदियां जहां पर मछलियां बहुत ज्यादा मात्रा में होंगी, तो वहां पर फिर से बगुलों की जो प्रजाति वो आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि डीडीटी पर अभी सरकार ने रोक लगा दी हुई है। बच्चों अमेरिका के बाद भारत सरकार एक दूसरा देश है जिसने डीडीटी के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, ठीक है। बच्चों इसके अलावा अगला जो प्रश्न मैंने आपके सामने लिया हुआ है वो है बीएससी। बच्चों आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि बीएससी क्या होता है। बीएससी का बच्चों पूरा नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है।
बच्चों बेंजीन हेक्साक्लोराइड, तो बीएससी का निर्माण करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बेंजीन लेना है बच्चों, और बेंजीन पर हमको क्लोरीन की अधिकता में क्रिया करानी है। बच्चों बेंजीन में कार्बन और कार्बन के बीच के जितने भी ये द्विबंध आप देख पा रहे हो ना, ये सारे द्विबंध क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, और प्रत्येक कार्बन पर एक एक क्लोरीन जो है वो जाकर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, और इस तरह से आपको एक कंपाउंड देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहां पर ये जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, संक्षिप्त में आपको बता दूं इसके गुणों के बारे में, तो ये भी एक प्रबल कीटाणुनाशी है बच्चों, ये अच्छा उर्वरक है, ये डीडीटी से भी ज्यादा क्रियाशील है, ये भी एक तरह का रंगहीन क्रिस्टली ठोस पदार्थ है। बच्चों आप याद रखिए कि जो बीएससी है, तो बीएससी के बच्चों 8 समावेवी, यानी ये 8 समावेवी रूपों में मिलता है, और उनमें से उसका जो गामा समावेवी है ना, ये सबसे अधिक क्रियाशील होता है। बच्चों सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको बता दूं कि जो डीडीटी है ये बाजार में गैमेक्सीन है ना, बाजार में गैमेक्सीन के नाम से भी उपलब्ध है, यानी अगर हम डीडीटी की बात करें तो बाजार में ये गैमेक्सीन नाम से उपलब्ध है, गैमेक्सीन। गैमेक्सीन ठीक है बच्चों, इसके अलावा इसको 666 या फिर बच्चों इसको लिंडेन के नाम से जानते हैं, ठीक है, लिंडेन के नाम से। तो बच्चों बहुत अच्छी तरह से याद रखिए, ठीक है, बीएससी के बहुत सारे नाम है व्यापारिक स्तर पर, और ये सारे नाम से भी ये प्रश्न जो है वो एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए बच्चों। इसके अलावा एक लास्ट संक्षिप्त में मैंने प्रश्न आपके सामने लिया हुआ फ्रियोन, तो बच्चों फ्रियोन का जो पूरा नाम है वो आपके सामने डाइफ्लोरोमीथेन, ठीक है, डाइफ्लोरोमीथेन। इसके बनाने का रासायनिक समीकरण मैंने आपको दिखाया हुआ है, हम कार्बन टेट्राक्लोराइड पर स्टेनस फ्लोराइड ट्राइफ्लोराइड की अभिक्रिया कराएंगे बच्चों, तो इसकी अभिक्रिया में क्या होगा, ठीक है, यहां से दो जो क्लोरीन है वो दो फ्लोरीन से इंटरचेंज हो जाएंगे, इनके बीच में प्रतिस्थापन की अभिक्रिया होगी, और इस तरह से ये जो कंपाउंड बनेगा CCl2F2, ये कंपाउंड आपका क्या कहलाएगा बच्चों, इस कंपाउंड को हम बोलेंगे डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमीथेन, संक्षिप्त में हम इसको फ्रियोन के नाम से जानते हैं। बच्चों फ्रियोन के भी मैंने आपको गुण बताए हैं, ये भी एक तरह का रंगहीन गंधहीन और वाष्पशील द्रव है, है ना, रंगहीन है, गंधहीन और ये वाष्पशील द्रव है बच्चों। ये अक्रिय है और साथ में कैसा भी है, आज्वलनशील, मतलब ये आग नहीं पकड़ता, और ये बच्चों एक स्थायी रसायन है, मतलब अगर ये एक बार बन गया तो ये अपने आप डिकम्पोज नहीं होता, ये लगातार हमारी सृष्टि में या हमारी प्रकृति में अपना स्थायित्व बनाए रखता है। बच्चों आज मैंने ये 3 क्वेश्चन लिए थे, डीडीटी, बीएससी और फ्रियोन। मैं आपको बता दूं मुख्य परीक्षा में, यानी आपके जो फाइनल एग्जाम होंगे उनमें आप देखेंगे कि काफी बार पूर्व की परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, और इस बार भी संभावना ऐसी व्यक्त की जा सकती है कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।